हेलो फ्रेंड्स, सारा कुकोस में शोभाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम समर स्पेशल ठंडा ठंडा टेस्टी और किसी भी कोल्ड ड्रिंक से हेल्दी तहूरा ड्रिंक बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर ये तहूरा ड्रिंक या फिर तहूरा मिल्क शेक बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस जार में ये 15 से 20 पिस्ते डाल रही हूँ, 8 से 10 बादाम भी डाल दूंगी, 6 से 7 एक काजू भी डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें 2.5 टेबल स्पून खस का सिरप लिया है, इसे डाल देती हूँ इसमें। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस कर ले लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने पीसने की कोशिश की है पर ये जार मेरा बड़ा हो गया है तो अभी ये इसमें बारीक नहीं हो रहा है। पर अभी मैं इसमें ये आइसक्रीम डाल रही हूँ और वापस मैं इसे पीस लूँगी। अभी ये पीस जाएगा अच्छे से। 2 स्कूप जितना आइसक्रीम मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर आइसक्रीम की जगह आप मिल्क पाउडर, रबड़ी या फिर मावा का यूज़ कर सकते हो, उससे भी ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक बनता है। अभी मैं इसे बारीक पीस कर ले लेती हूँ। देखिए, अभी इसे मैंने बारीक पीस लिया है। अभी मैं इसमें 1/2 लीटर ठंडा दूध डाल रही हूँ। दूध को मैंने ठंडा करके लिया है फ्रिज में। 5 से 6 वैनिला एसेंस के ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें 5 से 6 ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, पर फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी मैं इसे दोबारा से अच्छे से ब्लेंड करके ले लूँगी। इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी मैं इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लूँगी। इसे मैं इस सर्विंग ग्लास में निकालने वाली हूँ। इसे मैंने खस सिरप से गार्निश किया है अंदर से। इसे मैं डाल देती हूँ इसमें। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा फोम भी इसके ऊपर निकाल लूँगी। आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुक हाउस के नाम से पेज बनाया है तो उसे भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये वैनिला आइसक्रीम और डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये खस सिरप, सबसे आखिर में थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। ये तैयार है। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी तहूरा ड्रिंक बनके तैयार है। तो आप भी इसे जरूर बनाइए। और ज्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakookhouse.com। और अभी आप हफ्ते में 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 रेसिपीज देख पाएंगे। तो अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।